वेलकम बैक खवातीन रोज रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं और आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे आज हमने दावत दी है हकीम शाह नज़ीर साहब। हकीम साहब कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? ठीक हैं, बिल्कुल ठीक। आप बताएं आज क्या कर रहे हैं? इतने सारे बीज जमा किए हैं आपने। जी बिल्कुल, आज बीजों से हम बताएंगे कि आप अपनी ब्यूटी का किस तरह आप ख्याल रख सकते हैं, अपनी स्किन को किस तरह बेहतर बना सकते हैं और साथ में हार्मोन्स को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं और अपना वेट किस तरह कम कर सकते हैं बीजों से। अरे वाह, अब जो मैं रेमेडी बना कर दिखा रहा हूँ, आप ये इसे हर इंसान इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। जिनके भी फेस पे पिगमेंटेशन यानी धब्बे हो रहे हों, बटरफ्लाई की तरह धब्बे हों, ओपन पोर्स हों या वाइट हेड ब्लैक हेड्स हों, कलर दो टोन हो रहा हो, ये उन सब के लिए बेहतर रहेगा। और हमने इसमें लेनी है टोटली तीन चार चीज़ें। आपने ये भिंडी आप खाते हैं, ये उसके बीज हैं और ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे एक चाय वाला चम्मच। और ये तुख में उटंगन ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे एक चाय वाला चम्मच। ये अनार के फूल हैं, ये हम लेंगे एक चाय वाला चम्मच। और इसमें हम डालेंगे उपटन हम डालेंगे इसमें दो चम्मच। इन तमाम को मिला लीजिए और इसमें अगर आपके पास दूध हो आप दूध में इसका पेस्ट बनाएं, अगर दही है दही में बनाएं या अरके गुलाब में बनाएं। हम यहाँ पे अरके गुलाब यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से नरम सा पेस्ट बनाएं और हकीम साहब ये पूरे चेहरे पे, हाथों पे, ये पूरे चेहरे पे, हाथों पे, गर्दन पे और ये सब पे आप लगा लें। सिर्फ आधा घंटा लगाना है, आधे घंटे के बाद पानी का स्प्रे करना है और हल्के हाथ से रब करना है, एक मिनट रब करना है और फिर चेहरा धो लेना है या हाथ पांव धो लेना है। आप देखिएगा पहली एप्लीकेशन में आपको कितना फ़र्क आता है, इस तरह दूसरी एप्लीकेशन, कम से कम दो एप्लीकेशन करेंगे तो आपका एक शेड साफ़ हो जाएगा और आस्ते आस्ते ये साफ होना शुरू, मुकम्मल साफ हो जाए, आप इसे रोक दें दोबारा आपको झाइयाँ नहीं पड़ेंगी। लेकिन याद रखिएगा कितने अरसे तक करते रहे? ये एक महीना कर लें, रोज़ाना एक टाइम करना है। और पानी का टेक ज़्यादा रखिए, पानी हर एक घंटे बाद एक गिलास पानी पिया करें और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी या मुरगन गिज़ाओं का इस्तेमाल ज़रा कम करें। जी देखें, जिन लोगों के भी मुँह से स्मेल महसूस हो रही हो तो मगज़ धनिया, सौंफ और मिश्री, ये तीन चीज़ें हैं, मगज़ धनिया, सौंफ और मिश्री, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें, एक चाय वाली चम्मच सुबह, एक चाय वाली चम्मच शाम, खाना खाने के बाद पानी के साथ लें। आप देखिएगा ये आस्ते आस्ते मुंह की स्मेल इनकी ख़त्म हो जाएगी और पेट का निज़ाम भी बेहतर हो जाएगा। तो हकीम साहब मुंह से स्मेल आने की वजह क्या? तीन रीजंस होती हैं मुंह से स्मेल आने की। अगर आपका मैदा ख़राब होगा तब आपके मुंह से स्मेल आएगी, अगर आपके दांत ख़राब होंगे तब मुंह से स्मेल आएगी, अगर आपकी नाक बंद हो, गले में रेशा गिरता हो तब मुंह से स्मेल आएगी। तो ये जो मगज़े धनिया, सौंफ और मिश्री है ये पेट के निज़ाम को बेहतर कर देती है और दूसरा ये है कि जिसकी वजह से जो दिमाग पे रेशा जमता है ये उसको भी ख़त्म करती है, तो मुंह की स्मेल ऑटोमेटिकली ख़त्म होना शुरू हो जाती है।